नमस्कार मित्रों, आप सभी का YouTube चैनल तन सिंह गोनिया पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम बात करेंगे राजस्थान का जो नामकरण हुआ उसके संदर्भ में, हम बात करेंगे कि इस नामकरण के संदर्भ में इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। हम बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो इन कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली हर एग्जाम में एक प्रश्न जो है वो कंपल्सरीली आता है कि राजस्थान नाम किसने दिया, या जैसे रायथान नाम किसने दिया, राजपूताना किसने दिया, इस नाम के संबंध में विधिवत इसका नामकरण कब हुआ, बहुत सारे तमाम तरीके के प्रश्न आते हैं। तो मैं इस छोटी सी क्लास में आपको वो सारे प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो आप इस क्लास को देखने के बाद में आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में एक प्रश्न जो है वो राजस्थान नामकरण के संदर्भ में वो आपका क्लियर हो जाएगा और आप उसमें अच्छे से उसको टैकल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान के नामकरण की। तो हम जानते हैं कि राजस्थान हमारा आज़ादी से पहले कई नामों से जाना जाता था। जैसे हम देखते हैं कि राजस्थान एक रियासतों के रूप में विभक्त था, यहाँ 19 रियासतें थी, तो 19 रियासतें एक प्रकार से अपने आप में एक राज्य थी। तो उन रियासतों के नाम अलग अलग होने के कारण सम्मिलित रूप से एक नाम नहीं था। और इसकी अगर हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं तो बहुत सारे नाम हमें देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से अपन चर्चा करेंगे कि कंपटीशन एग्जाम में इस संबंध में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें अपन देखेंगे कि सबसे जो पहला नाम है, हम बात करते हैं, ये नाम आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मव्रत। ध्यान दीजिए, ये सबसे पुराना नाम जो है वो राजस्थान का ब्रह्मव्रत था। अब ये नाम कब था, ये वैदिक जो काल था, ध्यान दीजिए, वैदिक काल के अंदर, ऐसा कहते हैं कि जो वैदिक काल है जो लगभग उसका जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी सन तक का जो काल है उस दौरान या इससे थोड़ा बहुत पहले जो है उसको वैदिक काल के नाम से जाना जाता था। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि वैदिक काल में राजस्थान का सबसे पुराना नाम क्या था तो आप क्या बताएंगे, ब्रह्मव्रत बताएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अगला जो नाम आता है हमारे सामने, मरुकांतार। मरुकांतार आपने नाम सुना होगा। मरुकांतार से मतलब क्या होता है, मरुस्थलीय प्रदेश, मरु प्रदेश। तो ये जो नामकरण है इसके संदर्भ में अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि मरुकांतार शब्द जो है वो हमें कहाँ पर मिलता है, तो इस संदर्भ में आप कहेंगे कि वाल्मीकि कृत जो रामायण है, ध्यान दीजिए, वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर ये हमें नाम देखने को मिलता है। वाल्मीकि कृत रामायण में हमें जो नाम देखने को मिलता है वो कौन सा है, वो जो नाम है वो हमारा है मरुकांतार। अच्छा, इस संबंध में हम आगे और बात करें तो बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आएंगे और इन सबको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे मरुकांतार के बाद में इस प्रांत के लिए बहुत सारे नाम आते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आते हैं जिसके आधार पर हमारे राजस्थान का नाम पड़ा है, वो नाम है राजस्थानीयादित्य। ध्यान दीजिए, राजस्थानीयादित्य। अब देखिए, देखने से हमें लगता है कि ये जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। और इस संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो नाम है वो हमें कहाँ से मिलता है, ये नाम हमें मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख, अब ध्यान दीजिए, बसंतगढ़ शिलालेख जो है ये शिलालेख कब का है, ये शिलालेख है विक्रमी सवत 682 का है। और बसंतगढ़ कहाँ पर है, सिरोही जिले में है। ध्यान दीजिए, बसंतगढ़ सिरोही जिले में है, स्थित है। और ये जो नाम है वो किस भाषा में है, ये संस्कृत भाषा में है। ध्यान दीजिए, संस्कृत भाषा का ये शब्द है बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अंदर विक्रमी सवत 682 ईस्वी का। और यहाँ पर जो है वो खीमच माता या खीमल माता मंदिर है। ध्यान दीजिए, खीमल माता मंदिर जो है इस मंदिर के पास में एक शिलालेख है और उस शिलालेख के अंदर हमें ये इस नाम का जिक्र मिलता है कि इस भूभाग के लिए राजस्थानीयादित्य नाम जो है वो संबोधित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है राजस्थानीयादित्य के लिए। अब अपन बात करते हैं कि ये जो है वो ये क्या है, राजस्थान नामकरण का, राजस्थान नाम का सबसे पुराना लिखित प्रमाण है, ये सबसे पुराना लिखित प्रमाण। ध्यान दीजिए, अगर सवाल परीक्षा में पूछा जाए कि राजस्थान नाम का सबसे पुराना लिखित प्रमाण, ध्यान दीजिए, पुराना
लिखित प्रमाण, लिखित रूप से बहुत सारे शिलालेख अभिलेख में राजस्थान नाम जो मिलता है वो कौन सा है, वो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और आने वाले परीक्षा में पूछा जाएगा कि राजस्थान नाम का सबसे लिखित प्रमाण कहां मिलता है, तो आप कहेंगे बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर। और वो शिलालेख किस माता का मंदिर है, तो खीमज या खीमल माता का मंदिर है जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण बात जो है इस संदर्भ में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि राजस्थान नामकरण के संदर्भ में अगला जो हमारे को नाम देखने को मिलता है वो है जैसे रायथान, या ये रायथान शब्द जो है वो जो है वो साहित्यकारों के द्वारा प्रयुक्त शब्द हैं, साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त। प्राचीन समय में या मध्यकाल में साहित्यकार होते थे, उन्होंने इस प्रांत के लिए रायथान नाम दिया। और इस नाम के संदर्भ में हमें जो प्रमाण मिलते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो प्रमाण कहां मिलते हैं, मुहणोत नैणसीरी ख्यात, मुहणोत नैणसी, नैणसीरी ख्यात। अब ध्यान दीजिए, मुहणोत नैणसीरी ख्यात के लेखक मुहणोत नैणसी हैं, उन्होंने इसका नाम जो है वो रायथान दिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगले इस पर चर्चा करें तो अगला नाम हमारे को देखने को मिलता है वो क्या है, राजपुताना। ध्यान दीजिए, नाम देखने को मिलता है राजपुताना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है वैसे, हालांकि देखा जाए तो राजपुताना शब्द जो है वो मुगल काल से प्रयुक्त होता रहा था, राजपूत काल में इस शब्द का प्रयोग होता था, लेकिन इस नाम का जो लिखित प्रमाण है वो ज्यादातर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो हम ध्यान से देखें तो इस लिखित प्रमाण इसका जो है वो 1800 ईस्वी के अंदर इस शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। ध्यान दीजिए, जॉर्ज थॉमस एक मिलिट्री ऑफिसर थे, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने सबसे पहले इस भूभाग के लिए, वर्तमान हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपुताना शब्द का प्रयोग जो है वो जॉर्ज थॉमस ने किया था। और जॉर्ज थॉमस ने इस शब्द को दिया था, इस संदर्भ में हमें जो प्रमाण मिलते हैं, ध्यान दीजिए, हमें जो प्रमाण मिलते हैं उसके लिए एक पुस्तक का नाम आता है, 1805 में एक पुस्तक लिखी गई, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिलिट्री, ध्यान दीजिए एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक का नाम है मिलिट्री मेमवार्स, मेमवार्स, मिलिट्री मेमवार्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। ध्यान दीजिए, मिलिट्री मेमवार्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं, ध्यान दीजिए, जॉर्ज थॉमस के मित्र थे विलियम फ्रैंकलिन, ध्यान दीजिए, विलियम फ्रैंकलिन करके जो लेखक थे, और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक के अंदर हमें ये सबसे पहले जानकारी मिलती है कि इस हमारे राजस्थान के पूरे भूभाग के लिए राजपुताना शब्द जो है वो उचित था, ये उन्होंने दिया है। तो नेक्स्ट हम इसी कड़ी में बात करते हैं तो आप देखेंगे कि राजस्थान नामकरण के संदर्भ में अगला जो नाम आता है वो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और वो जो नाम है जिसको कालांतर में इसको स्वीकार किया गया, और वो नाम कौन सा है, वो नाम है राजस्थान। ध्यान दीजिए, नाम आता है राजस्थान, या इसको रायथान कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न ही परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान या रायथान नाम देने वाले कौन थे। तो इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि इस नाम के जो प्रतिपादक हैं वो है कर्नल जेम्स टॉड। ध्यान दीजिए, कर्नल जेम्स टॉड जो है उन्होंने ये नाम दिया है। अब हालांकि हमने पहले भी बात की है कि राजस्थान या द्वितीय नाम आ गया, रायथान आ गया, तो कर्नल जेम्स टॉड ने अलग क्या किया। कर्नल जेम्स टॉड ने हमारे यहाँ के शिलालेख अभिलेख उनका अध्ययन किया, और उनका अध्ययन करते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ज्यादातर जगह उनको रायथान या राजस्थान नाम जो देखने को मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्रांत के लिए राजस्थान नाम से संबोधित किया जाए। तो इस संदर्भ में कर्नल जेम्स टॉड जो थे, कर्नल जेम्स टॉड ने एक पुस्तक लिखी है, और ये जो नाम है उन्होंने कब दिया है, 1829 ईस्वी के अंदर ये नाम उन्होंने दिया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके अंदर इन्होंने इसका जो जिक्र किया है, उस पुस्तक का नाम क्या है, उस पुस्तक का नाम है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब ध्यान दीजिए, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इस पुस्तक का जो दूसरा नाम है द सेंट्रल
एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, राजपूत द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स स्टेट्स इन इंडिया। ये इनकी जो पुस्तक हैं, एक ही पुस्तक के दो नाम हैं, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स इन इंडिया। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जिक्र किया है कि एनल्स का मतलब अभिलेख, एंटीक्विटीज पुरालेख, शिलालेख, उसमें सारे अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस प्रांत के लिए नाम क्या होना चाहिए। इस प्रांत के लिए नाम जो है वो राजस्थान या राजस्थान होना चाहिए। अभी तक इस नाम को जो है विधिवत रूप से अपनाया नहीं गया है, लेकिन इस नाम के संदर्भ में अपन आगे और भी बात करेंगे। तो आप देखोगे कि इस नाम को अपन आगे ले जाते हैं तो आगे जाकर के एक नाम जिसके बारे में आपको जानकारी होगी कि जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद में हम कंटिन्यू राजस्थान को राजपूताना ही कहते थे और राजस्थान अपने पास में शब्द आता है राजस्थान संघ। अब ध्यान दीजिए शब्द क्या आ गया, राजस्थान संघ, ठीक है ना। अब इस संबंध में आपको परीक्षा में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि राजस्थान जो संघ है, ये जो नाम है वो हमारे राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में यानी कि 25 मार्च 1948 ये जो है वो राजस्थान एकीकरण का द्वितीय चरण है और इस चरण में ये नाम जो हमारे सामने सबसे पहले आया था। तो आप ध्यान देंगे कि इस संदर्भ में आपका जो परीक्षा में सवाल क्या बनेगा कि आजादी के बाद हमारे इस प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जिक्र कब किया गया, तो ये जो तिथि है 25 मार्च। अब इसमें सवाल क्या बन सकता है, आजादी के बाद इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। अब ध्यान दीजिए ये जो है यानी कि एकीकरण का जो प्रथम चरण था उसका नाम हमने मत्स्य संघ रखा था और दूसरे चरण के अंदर सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ था, 9 रियासतों का विलय हुआ था। प्रथम चरण के 7 दिन बाद 18 मार्च को प्रथम चरण हुआ था, 25 मार्च को तब उस संघ का नाम, उस संघ में 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था और इसको मिला करके नाम क्या दिया गया था, राजस्थान संघ। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान संघ ये नाम जो हमारे सामने आता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो इस संदर्भ में अगला जो नाम आता है और वो नाम कौन सा है। अब देखिए इसके बाद में हमारे लिए एक शब्द आता है, एक केवल राजस्थान नाम आता है। ध्यान दीजिए ये सवाल अगर पूछा जाए कि राजस्थान नाम विधिवत रूप से कब दिया गया, ठीक है ना, तो इस संदर्भ में आप ध्यान देंगे कि इस प्रांत के लिए विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण ये कब किया गया है, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और इस दिन जो है वो राजस्थान का विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण किया गया। तो इसको अपन कहेंगे विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण, इस दिन विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण किया गया। ध्यान दीजिए विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण कब किया गया, 26 जनवरी 1950 एकीकरण का 6ठा चरण है और भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन के बाद से हमारे इस प्रांत को विधिवत रूप से राजस्थान कहा जाने लगा। हालांकि एकीकरण के बाद में राजस्थान संघ शब्द का यूज हुआ था लेकिन राजस्थान संघ पर्टिकुलर 9 रियासतें और एक ठिकाने थे उनके लिए था और तत्कालीन समय में ज्यादातर लोग जो है केवल इसको राजपूताना ही कहते थे। तो नेक्स्ट अपन इसी कड़ी में आगे जो बात करते हैं इसी नामकरण के संदर्भ में, तो हमारे सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, वर्तमान स्वरूप में। अब ध्यान दीजिए वर्तमान राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। अब इसकी बात की जाए तो राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर
1956 को आया। ध्यान दीजिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आ चुका था। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के नामकरण को लेकर के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसका हमने जिक्र किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। इस संदर्भ में एक और प्रश्न मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो प्रश्न है कि आप इसमें एक और ध्यान देंगे कि वो ये प्रश्न है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान दिवस, अब देखो दिवस किसी भी संस्था का तब मनाया जाता है जब उसके बनने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है और पहला राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च 1949 को मनाया गया था। अब ध्यान दीजिए, 30 मार्च 1949 इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इस तिथि को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण, इस तिथि को राजस्थान एकीकरण का चौथा चरण संपन्न हुआ था और इस चरण तक राजस्थान की 18 रियासतों का विलय हो चुका था। 18 रियासतों का विलय हुआ था और 18 रियासतों का विलय का मतलब 19 में से 18 रियासतों का विलय हो गया, मतलब लगभग पूरा राजस्थान बनकर के तैयार हो गया था। इसलिए हम प्रतिवर्ष 30 मार्च 1950 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपको मैंने यहाँ पर स्पष्ट किए हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में आए होंगे और इसी कड़ी में नेक्स्ट अपन ऐसे और प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे। तो अभी एक बार पुनः आप देख लीजिए कि आज की हमारी क्लास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रही है। तो इस क्लास के अंदर हमने जो प्रश्न चर्चा किए हैं उसमें आपको एक बार पुनः मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले इस प्रांत के लिए ब्रह्मवर्त नाम था, उसके बाद में इस प्रांत के लिए मरुकांतर शब्द रामायण काल में था, फिर राजस्थानी आदित्य शब्द जो है वो हमें बसंतगढ़ शिलालेख से मिलता है और फिर रायथान साहित्यकारों के द्वारा जिसका जिक्र मुनोत नैन्सी की ख्यात में मिलता है। फिर हम बात करते हैं तो हमारे सामने जो प्रश्न आता है वो ये कि जो राजपुताना शब्द है वो जॉर्ज थॉमस ने दिया, फिर रायथान या राजस्थान नाम जो है कर्नल जेम्स स्टोन ने दिया और देश की आज़ादी के बाद में सर्वप्रथम राजस्थान जो शब्द है उसका प्रयोग 25 मार्च 1949 को किया गया, फिर विधिवत रूप से राजस्थान नामकरण है वो 26 जनवरी 1950 को किया गया और वर्तमान स्वरूप राजस्थान अपने 1 नवंबर 1956 को आया और राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ स्पष्ट थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम इससे जुड़ी हुई ऐसी और महत्वपूर्ण क्लास पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।